हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज कौन कौन सी है, उन सब चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आप इसके मेथड्स को देखने से पहले उन वीडियोज़ को देखिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डॉक्टर मार्शल ने दिया था और इस मेथड के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर के का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना वो टोटल खर्चा कर रहा है, उसके बेस पर हम देखेंगे कि डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड कितनी इलास्टिक है। तो वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। किसी भी कमोडिटी का कितना प्राइस है, अगर हम उसको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी भी कमोडिटी का प्राइस 15 रुपीज़ है और हम उसको 6 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं उस कमोडिटी की, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 90 रुपीज़ हो गया। तो 90 रुपीज़ क्या हो गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग यही बात है कि हम उसके कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर के बेस पर हम पता लगाते हैं कि उस डिमांड कितनी इलास्टिक है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम तीन डिग्रीज़ को डिस्कस करते हैं। एक तो है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में टोटल एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशनशिप होगा, अगर हमारी डिमांड अगर यूनिटरी इलास्टिक केस में होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि हमारा प्राइस क्यों और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। अगर हमारा प्राइस 15 रुपीज़ है और हम 6 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 90 रुपीज़। वैसे ही अगर हमारा प्राइस 15 से कम होकर 10 रुपीज़ हो जाता है और क्वांटिटी हम उसकी, अब पहले 6 थी तो हमने उसके क्वांटिटी 9 परचेज करनी शुरू कर दी, क्योंकि हर डिग्रीज़ में या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कोई भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहाँ पर वही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा कि अगर प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिक डिमांड तो उस चीज़ की बढ़ेगी ही। तो यहाँ पर अगर प्राइस कम हो गया तो यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ गई। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 90 रुपीज़ हो गया। देखो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा था, 15 था, तब भी एक्सपेंडिचर 90 रुपीज़ था, तब भी कंज्यूमर 90 रुपये ही खर्च रहा था, और जब उसका प्राइस कम हो गया तब भी कंज्यूमर 90 रुपये ही खर्च रहा है। तो यहाँ पर उसकी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई खर्च, मतलब कोई चेंज नहीं आया। प्राइस कम हुआ तब भी टोटल एक्सपेंडिचर वही, प्राइस बढ़ गया तब भी टोटल एक्सपेंडिचर वही। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, नो चेंज, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर हम यहाँ पे कहें यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता था कि इलास्टिसिटी हमारी 1 के इक्वल होती थी, तो अगर हम पूछे कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप कैसा है या डिमांड में मतलब कितना चेंज आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप विथ प्राइस। सेकेंड है यूनिटरी इलास्टिक के बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक एग्जाम्पल देखेंगे हम, पी प्राइस क्यू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारा 15 रुपीज़ है, क्वांटिटी हमने 10 परचेस की, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 150। जब हमारा प्राइस कम हो गया, 14 रुपीज़ हो गया, तो हमने 10 से 11 क्वांटिटी परचेस करनी शुरू कर दी, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 134। तो यहाँ पर प्राइस में हल्का सा चेंज आने से, मतलब थोड़ा सा कम हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर पर कुछ खास फ़र्क नहीं हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया।
प्राइस कम हुआ, 15 से कम होकर 14 हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। जैसे यूनिटरी इलास्टिक के केस में क्या था कि प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम 90-90, नो चेंज। तो वहाँ पर प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कांस्टेंट रिलेशनशिप था कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक के केस में प्राइस कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो यहाँ पर क्या, प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो टी ई बढ़ जाएगा, और प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका एग्जांपल देखेंगे, पी प्राइस, क्यों क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 15 रुपीस था तो हम उसके 10 क्वांटिटी परचेज करते थे, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया पी मल्टीप्लाई क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, 15 × 10 = 150। वैसे ही अगर प्राइस कम हो गया, 14 हो गया, तो हमने उसके 15 क्वांटिटी परचेज करनी शुरू कर दी, तो यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 15 × 14 = 210। तो यहाँ पर जब प्राइस कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और प्राइस अगर बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। जैसे कि जब प्राइस 15 से 14 कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर 150 से 210 बढ़ गया, और जैसे ही प्राइस 15 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर 150 कम हो गया। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर अगर पूछा जाए, क्वेश्चन यही आए कि रिलेशनशिप कैसा है यूनिटरी इलास्टिक के केस में, तो कांस्टेंट रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसा है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक के केस में, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, और प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक के केस में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। यह था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम इसको एक डायग्राम में देखना चाहें तो इसका एक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी यूनिटरी मतलब कि इक्वल टू 1 होगी, और यहाँ पर इस केस में लेस देन 1 होगी। तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का, जहाँ पर यहाँ पर तो ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर इक्वल टू 1 होगी, और यहाँ पर लेस देन 1 होगी। यूनिटरी इलास्टिक ग्रेटर देन यूनिटरी है, इसको मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर लेस देन यूनिटरी, इसको हम ग्रेटर की जगह मोर भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।